स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लुसेंट जीके के लिए आठवां पार्ट लेके आ रहे हैं। सब्सक्राइब करिए स्टडी फॉर जॉब्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हम लुसेंट जीके के 1000 प्रश्नों को कवर कर रहे हैं और उसी क्रम में ये पार्ट 8 होगा। इसके 7 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हैं, आपको उनका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। यहाँ पे कुल मिला के 100 वन लाइनर क्वेश्चन होंगे जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें। यहाँ पे देखिए इसी तरह क्वेश्चन मिलता है आपको एक और उसके सामने उसका आंसर दिखाया जाता है। फर्क केवल इतना है कि आपको यहाँ पे हर क्वेश्चन का जो इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट होगा वो हम बताते चलेंगे। पहला क्वेश्चन है कि गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है। तो गंधक मतलब कि यह सल्फर, तो सल्फर के साथ रबड़ को गर्म करने की प्रक्रिया कहलाती है वल्कनीकरण। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि देखिए जो रबड़ है हमको वो पेड़ से मिलता है, पेड़ से, लेकिन उसको शुद्ध करने के लिए सल्फर के साथ गर्म किया जाता है और इसे कहा जाता है वल्कनीकरण। अगला है कि प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो प्याज है या फिर लहसुन है इसमें जो गंध होती है ये सल्फर के कारण पाई जाती है। अगला क्वेश्चन कि केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया। तो यहाँ पे इसके लिए गठित किया गया था सरकारी आयोग। देखिए हमारे यहाँ जो सिस्टम है यहाँ पे एक बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट बैठती है और उसके बाद ये 29 स्टेट है, तो यहाँ पे इनके बीच जो रिलेशन है ये कैसे हैं या कैसे हों इसी पर जो जानकारी के लिए एक आयोग बनाया गया था, इसका नाम था सरकारी आयोग। अगला है कि नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था। वास्तुकार पूछा जा रहा है, मतलब कि वास्तुकार मतलब पता है आपको कि बनाने वाला, तो ये है एडविन लुटियन। ये कहाँ का था? तो इंग्लैंड का। ये बात हो रही है तब की जब अंग्रेजों के गुलाम था भारत। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी और पूर्वी घाट किन पहाड़ियों में मिलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन डायरेक्ट है और आपको इसे याद करना होगा, ये कई बार पूछा जा चुका है, तो ये है नीलगिरी की पहाड़ियां। अगला क्वेश्चन कि जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ। तो अंतरिम सरकार मतलब क्या होता है? देखिए जो अंग्रेज थे वो भारत को आजाद कब किए, 1947 को, लेकिन ये प्रक्रिया एक साल पहले से ही चल रही थी। हालांकि भारत पूरी तरह अपना संविधान कब लागू कर पाया, 1950 में। 47 में आजाद होने के बावजूद भी 1950 में पूरी तरह संविधान लागू हुआ। तो इसके बीच यानी कि 47 क्या 1946 से ही यहाँ पे 1950 के बीच जो एक गवर्नमेंट काम की उसे कहा गया अंतरिम सरकार। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो गृह मंत्री, इसी अंतरिम सरकार में बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन कि भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। तो आपको पता होगा कि जो प्रधानमंत्री थे भारत के लाल बहादुर शास्त्री, उनकी मृत्यु उनके कार्यकाल में ही हो गई थी और ये हो गई थी ताशकंद में। वो ताशकंद समझौता के लिए गए थे और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन कि कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी हैं। तो कालिदास की जो लगभग सभी रचनाएं हैं संस्कृत में। अगला क्वेश्चन है कि 12 मार्च 1940 को जालियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओ डायर को किसने लंदन में मार दिया, मतलब कि हत्या की दी। तो जो जनरल डायर था जिसने 1919 में 13 अप्रैल 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कराया था इसको लंदन में मार दिया उधम सिंह ने। अगला क्वेश्चन कि श्रीनगर की स्थापना किसने की थी। तो श्रीनगर की स्थापना की गई थी अशोक के द्वारा। कभी कभी ये भी पूछा गया है कि अशोक कौन से वंशज के राजा थे, तो अशोक थे मौर्य वंश के राजा। और इन्होंने एक बौद्ध संगति भी कराई थी, कौवी, तो तीसरी। अब इसका ईयर है तो इसमें थोड़ी विवाद है, वैसे आप 251 याद रख सकते हैं ईस्वी पूर्व। अगला क्वेश्चन कि गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ। तो ये हुआ था 1931 को और कब, तो 3 मार्च को। देखिए गांधी इरविन समझौता का मतलब ये है कि उस समय जो लंदन था वहाँ पे गोलमेज सम्मेलन चल रहा था और पहले गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। उसके बाद वहाँ पे महात्मा गांधी को बुलाया गया और इसी के समय जब महात्मा गांधी वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे एक समझौता हुआ, गांधी इरविन समझौता। इसी समझौता के तहत जो कांग्रेस थी उसने कहा कि हम अपने प्रतिनिधि को सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भेजेंगे।
लेकिन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी गए तो, लेकिन यहां पर भी जो अलग से निर्वाचक की मांग की जा रही थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर मुस्लिम के द्वारा, उससे बात अटक गई और यहाँ पे गांधी जी फिर से वापस चले आए। तो यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि कांग्रेस कौन से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन की थी, तो कांग्रेस केवल सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया था। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है। देखिए जो भारत है इसमें जो राष्ट्रपति की, इनके पास अदर देशों के जैसा उतने ज्यादा स्पेशल पावर नहीं है। यहाँ पे इनको काम करना होता है प्रधानमंत्री तथा उनके कैबिनेट पर पूरी तरह। अगला क्वेश्चन कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। बात हो रही है सत्यशोधक समाज, तो ये किया गया था महात्मा ज्योतिबा भाई फुले के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है। बात हो रही है टोडा की, तो टोडा निवास करती है तमिलनाडु में। एक क्वेश्चन हम आपको तमिलनाडु के बारे में बता दें। देखिए तमिलनाडु में पहले विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी होता था, लेकिन संसद ने बाद में इस विधान परिषद को तमिलनाडु से हटा दिया। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, आप इसका उत्तर हमें कमेंट करके बताइए। किसी राज्य में विधान परिषद का गठन या फिर उसे हटाना संसद पर पूरी तरह डिपेंडेंट है। आपको बताना है कि कौन से अनुच्छेद में इस तरह का प्रावधान दिया गया है। अगला क्वेश्चन कि हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म कौन सी है, तो ये है चंद्रावल। अगला क्वेश्चन कि क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है, तो ये होती है 22 गज। अगर आप गज में नापते हैं तो 22 गज, या अगर फुट में नापते हैं तो 66 फुट। अगला क्वेश्चन कि मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट स्कूल हरियाणा में कहाँ पर स्थित है। बात हो रही है मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट स्कूल की, और स्पेशली कहाँ होना चाहिए, तो हरियाणा में। तो हरियाणा में ये है राई यानी कि सोनीपत में। अगला क्वेश्चन कि असम का पुराना नाम क्या है, तो असम का पुराना नाम है कामरूप। और देखिए जो ये कामरूप है, आज भी इसके नाम से असम में एक डिस्ट्रिक्ट है, कामरूप डिस्ट्रिक्ट। अगला क्वेश्चन कि प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ। बात हो रही है प्रोजेक्ट टाइगर की, तो ये हुआ था सन 1973 में। अगला क्वेश्चन कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो मीनाक्षी मंदिर है मदुरई में, और मदुरई कहाँ पर है, तमिलनाडु में। ये क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन कि संसार में सबसे अधिक दूध का उत्पादन कौन से देश में होता है, तो ये होता है इंडिया में सबसे अधिक दूध का उत्पादन। अगला क्वेश्चन कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी, तो सरदार सरोवर परियोजना बनाई गई थी नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी पर ये बनाया गया था सरदार सरोवर परियोजना। अगला है कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तो इसे कहते हैं कोरोमंडल तट। अगला है कि नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है, तो जब नीली क्रांति की बात आ जाएगी तो ये हो जाएगा मत्स्य पालन, मतलब कि मछली पालन से है नीली क्रांति। अगला क्वेश्चन कि कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन, तो पृथ्वी की जुड़वा बहन पूछा जाए तो ये हमेशा होता है शुक्र। और ऐसा क्यों है, क्योंकि ये पृथ्वी से ज़्यादा नज़दीक है। जहाँ पृथ्वी सूर्य का चक्कर 365 दिन में लगाती है, वहीं पे शुक्र 225 दिनों में सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेता है। आगे बढ़े तो अगला है कि मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं, तो ये है क्षुद्र ग्रह। देखिए यहाँ पे कुल मिला के इस समय जो सौरमंडल है वहाँ पे 8 ग्रह है, वहाँ पे 8, तो शुरू वाले 4 के बाद और अंत वाले 4 के बीच में कुछ छोटे छोटे पिंड है, उनको कहा जाता है शुद्र या क्षुद्र ग्रह। इसी को इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन कि पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होते हैं, तो पृथ्वी पर दिन रात की बात करें तो ये होता है भूमध्य रेखा पर बराबर। भूमध्य रेखा कोई ऐसी रेखा नहीं है जो दिखती है, यहाँ पे एक काल्पनिक रेखा है जिसे कहते हैं भूमध्य रेखा। आगे बढ़ें उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दीजिए, इस तरह के और भी पार्ट ऑलरेडी अपलोड हैं। अगला है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं। बात हो रही है हरित क्रांति की, तो हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन बोरलॉग, अगर भारत में पूछा जाए तो ये है। और अगला क्वेश्चन है कि दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है, तो जो दलदली भूमि है यहाँ पे निकलती है मेथेन, मेथेन मतलब कि CH4। अगला क्वेश्चन कि पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है, तो यहाँ पे पागल कुत्ते के काटने से होता है हाइड्रोफोबिया, और या फिर इसे आम भाषा में रैबीज भी कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन कि दक्षिण भारत का सर्वोत्तम पर्वत शिखर कौन सा है? दक्षिण भारत की बात की जा रही है तो ये है अनाई मुड़ी या अनाई मुदी भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरल। आगे बढ़े तो कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया था? कुंभ की बात हो रही है तो कुंभ के मेले का शुभारंभ किया गया था हर्षवर्धन के द्वारा। और यहाँ पे इंडिया में इस समय कुंभ चार जगहों पे लगता है। अभी लेटेस्ट 2019 का कुंभ लगा था प्रयागराज में, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद का पुराना नाम। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि किसी एक स्थान पर कुंभ मेला कितने वर्ष बाद लगता है? तो किसी एक स्थान पे, कहने का मतलब कि अभी जहाँ पे लगा है इस साल, यहाँ पे अगले 12 साल बाद फिर से यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे कुंभ एक जगह पे कहाँ कितने साल पे लगता है? 12 साल पे। अगला क्वेश्चन में बताया गया है कि भारत में कितने स्थानों पर कुंभ मेला लगता है? तो हमने आपको बता दिया था चार, यहाँ पे हरिद्वार, इलाहाबाद, यमुना, उज्जैन और नासिक। देखिए हरिद्वार, इलाहाबाद मतलब कि प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? स्थल सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? पीर पंजाल, बात हो रही है पीर पंजाल सुरंग की, तो ये है J&K में। यहाँ पे आप इसे छोड़ सकते हैं कि लंबी सुरंग, लेकिन आपको बताना है कि पीर पंजाल सुरंग कहाँ पर है, तो ये है जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन कि भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ पहले क्या था? तो वहाँ था एक टिसीथ नामक सागर। वहाँ पे बताया जाता है कि दो प्लेट थी जो आपस में टकराई और वहाँ पे धीरे धीरे हिमालय का निर्माण हो गया। अगला क्वेश्चन कि 1984 में भोपाल गैस त्रासदी में कौन से गैस का रिसाव हुआ था? तो यह है मिथाइल आइसोसाइनाइड यानी कि MIC। ये कब हुआ था? तो 1984 में। कहाँ पर? तो भोपाल में, भोपाल मतलब कि मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन कि स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो जैसा कि आपको पता होगा कि जब भारत में अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे थे तो वहां पे सबसे पहले जो कांग्रेस थी इसकी मांग ये थी कि हमें केवल स्वराज चाहिए। तो यहाँ पे स्वराज की सबसे पहले इस शब्द को दिया था महर्षि दयानंद ने। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो अगर सबसे अधिक मूंगफली की बात होगी तो यह है गुजरात, और गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, और यहीं पे दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बनी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो यह है लेह, और ये कहाँ पर है? लेह लद्दाख जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया था? ये पुराने अखबार है केसरी तथा मराठा, तो इसका संपादन किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। आपने गरम दल का नाम सुना होगा, उसमें तीन लोग थे, बाल, पाल और लाल, उसी में बाल गंगाधर तिलक भी शामिल थे। अगला क्वेश्चन कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो वायसराय की बात है तो यह है लॉर्ड कैनिंग। वायसराय की कब जरूरत पड़ी? तो देखिए वायसराय जब 1857 की क्रांति होती है, उसके बाद उस क्रांति को दबाने के बाद जब अंग्रेजों ने उस क्रांति को दबा दिया लगभग लगभग 1858 में, तो वहाँ पे एक नया पोस्ट बनाया गया, इसे कहा गया वायसराय, और सबसे पहला वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? यह है टोडरमल, तो इन्होंने दिया था भू व्यवस्था को, मतलब कि जो भू राजस्व व्यवस्था है उसके बारे में जो रूल बनाए थे वो बनाया गया था राजा टोडरमल या फिर टोडरमल के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बात हो रही है पंचायत सदस्य, मतलब कि या तो आप ग्राम पंचायत या फिर ब्लॉक पंचायत या फिर जिला पंचायत, इसमें से तीनों में से कोई भी सदस्य बनने के लिए आपकी मिनिमम उम्र होनी चाहिए 21 वर्ष। अगला क्वेश्चन कि संसार में सबसे अधिक पानी की मात्रा किस नदी की है? तो अगर सबसे अधिक पानी की मात्रा पूछा जाए तो ये है अमेजन। आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है कि जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसल को क्या कहते हैं? जून और सितंबर, बात हो रही है तैयार होने वाली, तो इसे कहते हैं खरीफ। देखिए फसल होती है तीन तरह की, खरीफ और रबी तथा
जायद तो जो जून और सितंबर में तैयार होती है और ये अप्रैल मई में बोई जाती है, इसे कहते हैं खरीफ। और जो इसी तरह अक्टूबर या नवंबर में बोई जाती है उसे कहते हैं रबी, और जो गर्मियों के दिनों में बोई जाती है उसे कहते हैं जायद। आगे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन है कि चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनवाया था? तो ये बनवाया गया था नेकचंद के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये है अमेरिका में, और अमेरिका में कहाँ? तो वाशिंगटन डीसी में। अगला क्वेश्चन कि विलय की नीति किसने लागू किया? विलय की नीति तो ये किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। यहाँ पे ये था कि अगर किसी भी राजा या फिर रानी का अपना कोई पुत्र नहीं है तो वहां पे उनके राज्य को अंग्रेजों के राज्य में मिला लिया जाएगा। जो आप आज भारत का स्वरूप देखते हैं वहां पे जरूरी नहीं था कि अंग्रेज जब शुरू में आए तो उनके पास सारा हिंदुस्तान था। कहीं कहीं ऐसा था कि कुछ पार्ट अंग्रेजों के पास था, कुछ पार्ट राजाओं के पास था। तो जहां पे ऐसी कोई कंडीशन आती थी तो उसे अंग्रेज अपने राज्य में विलय कर लेते थे। अगला क्वेश्चन कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1906 में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है और आपको इसे याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन कि संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये है सुपीरियर लेक, सुपीरियर झील। अगला क्वेश्चन कि योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है? तो ये है कुश्ती से, योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार। अगला क्वेश्चन कि कूका आंदोलन किसने चलवाया था? चलाया था या चलवाया था कूका आंदोलन? तो ये चलाया गया था गुरु राम सिंह के द्वारा। आगे बढ़े तो 1815 में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? तो ये किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा, और इन्होंने समाज के सुधार के लिए ढेर सारे काम करवाए। अगला क्वेश्चन कि शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम क्या था? तो जो शिवाजी थे इनके मंत्रिमंडल का नाम था अष्ट प्रधान। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? तो गुरु तेग बहादुर की बात होगी तो ये है औरंगजेब। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया? तो ये बनवाया इसने ताजमहल, और कहाँ? तो आगरा में। अगला क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पे पहुंच गई थी? तो ये था जहांगीर, और ये खुद एक चित्रकार था। इसका अधिकतर समय खुद ही चित्र बनाने में या फिर जो वहाँ के आर्टिटेक्चर थे उसे बनाने में बीतता था। और कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर में कई बाग इसी ने बनवाए हैं, जहांगीर ने। अगला क्वेश्चन कि सिख धर्म के किस गुरु की हत्या जहांगीर ने करवा दी थी? तो ये थे गुरु अर्जुन देव। देखिए गुरु अर्जुन देव पूछता है तो यहाँ पे इनकी हत्या करवाई गई थी जहांगीर के द्वारा, और उसी तरह अगर गुरु तेग बहादुर पूछता है तो ये करवाया गया था औरंगजेब के द्वारा। दो क्वेश्चन है और कई बार इसमें कंफ्यूजन होती है। तेग बहादुर का हत्या करवाया गया था औरंगजेब के द्वारा, और उसी तरह जो अर्जुन देव थे उनकी हत्या करवाई गई थी जहांगीर के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? महाराजा रणजीत सिंह की तो ये थी लाहौर, और जो इस समय पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन कि पोलियो का टीका किसने खोजा था? तो पोलियो का टीका खोजा गया था जोनास साल्क के द्वारा, पोलियो का टीका जोनास साल्क के द्वारा। आगे बढ़े तो अगला है कि कर्णावत के स्वर्ण बेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? तो यह है गुप्तेश्वर की। आगे बढ़े तो हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की थी? तो हुमायूं नामा में हुमायूं के बारे में बताया गया है, और ये लिखा गया था गुलबदन बेगम के द्वारा। उसी तरह आपके लिए क्वेश्चन है, जो अकबर के लिए बुक लिखी गई थी उसका नाम क्या है? अकबर के लिए जो बुक लिखी गई थी उसका नाम क्या है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। किसने अपनी विजयों के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? तो ये थे राणा कुंभा। इन्होंने अपने जो विजय थे उनके उपलक्ष्य में कुछ स्तंभ बनवाए, कहाँ पे? तो चित्तौड़गढ़ में। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये किया गया था कुमार गुप्त के द्वारा, नालंदा विश्वविद्यालय, और कहाँ पे किया गया? तो बिहार में। अगला क्वेश्चन कि प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? स्वाधीनता संग्राम की बात हो रही है तो ये थे लॉर्ड कैनिंग। देखिए ये स्वाधीनता संग्राम का मतलब क्या है, यहाँ पे ये मतलब है 1857 की। यहाँ पे उस समय गवर्नर जनरल होता था, और जब 1857 के एक साल बाद 1858 में अंग्रेजों ने इस क्रांति को दबा दिया तो
इसके बाद जो गवर्नर जनरल का पद था इसे हटा करके अब इसे वायसराय बना दिया गया, वायसराय बनाया गया और इसी लॉर्ड कैनिंग को ही अब कहा जाने लगा वायसराय। तो यही पूछा जा रहा है कि प्रथम स्वाधीनता संग्राम, तो ये भी यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि प्रथम स्वाधीनता संग्राम कब हुआ था, तो 1857 में हुआ था। अगला क्वेश्चन कि स्वतंत्रता के बाद देसी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे, तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। हालांकि जब पूर्ण सरकार बनी इंडिया में 1950 में, तो उस समय इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी। अगला क्वेश्चन कि जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है, तो जगन्नाथ मंदिर कहां पे है, उड़ीसा में। उड़ीसा में कहां पर है, तो पुरी में। अगला क्वेश्चन कि तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच और कब हुआ था, तो अगर तराइन पूछा जाता है तो ये हुआ था 1191 में पहला युद्ध, और तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में, और दोनों युद्ध पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। जो 1191 में हुआ था इसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे, और जो 1192 में हुआ इसमें मोहम्मद गोरी विजयी रहा था। अगला क्वेश्चन कि शून्य की खोज किसने की थी, तो शून्य की खोज किया गया था महान भारतीय वैज्ञानिक आर्यभट्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन कि सिकंदर किसका शिष्य था, तो सिकंदर था अरस्तु का शिष्य। और अगला कि सिकंदर का सेनापति कौन था, तो ये था सेलुकस निकेटर। देखिए जब सिकंदर भारत आया था तो यहाँ का जो वो सिकंदर कई देशों को जीतते जीतते भारत आया था, और यहाँ पे जो यहाँ का वातावरण था उनके सैनिकों के खिलाफ था, मतलब वहाँ के सैनिक कभी इतनी भयंकर गर्मी नहीं देखे थे, और उन सैनिकों में भी डर था कि भारत के जो राजा हैं इनके पास हाथी हैं, बड़े बड़े हाथी होती हैं, क्योंकि उन्होंने कभी हाथियों से युद्ध नहीं लड़ा था, उनके पास केवल घोड़े थे। तो इसीलिए सिकंदर के जो सैनिक थे उन्हें बगावत कर दिया और सिकंदर को वापस जाना पड़ा। लेकिन जब सिकंदर इंडिया से वापस गया तो उसने अपना एक सेनापति यहाँ पे छोड़ दिया था, इसका नाम था सेलुकस निकेटर। आगे बढ़े तो अगला है कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है, सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम मतलब कि सरकार का, तो यह है भारतीय रेल। अगला है कि भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है, तो हालांकि ये चेंज होने वाला क्वेश्चन है लेकिन अभी जो फिलहाल है यह 63,947 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है, तो यह है पीर पंजाल सुरंग, और कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो सबसे बड़ा जिला है लद्दाख। आगे बढ़े तो अगला है कि कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित मतलब कि बर्फ से ढका हुआ है, तो यह अटलांटिका। आगे बढ़े तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो ये था समुद्रगुप्त, गुप्त वंश का संस्थापक समुद्रगुप्त। आगे बढ़े तो भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है, तो ये है समझौता एक्सप्रेस। आगे बढ़े तो भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी, तो ये चली थी 1985 में, और इसका नाम था डेक्कन क्वीन। अगला है कि अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है, तो ये है बौद्ध धर्म से। जो अजंता की गुफा है उसमें अगर आप गए होंगे तो देखिए जो भीतर जाने पे जहाँ पे उनके मॉन्क पूजा करते हैं वहाँ पे जो भीतर की दीवारें हैं वहाँ पे ढेर चित्रकारी की गई है अच्छे तरीके से, तो वहाँ पे ये की गई है बौद्ध धर्म के लिए। अगला क्वेश्चन कि तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है, तो तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। आगे बढ़े तो पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत पर महाद्वीपों का विस्तार यानी भूभाग पाया जाता है, तो पृथ्वी पर 29.2 पर महाद्वीप है और बाकी भागों पे क्या है, तो केवल जल है। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया, तो अगर सबसे पहले की बात की जाएगी तो ये किया गया था जिम कार्बेट में, और ये जिम कार्बेट है कहाँ, तो उत्तराखंड में। अगला है कि सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है, तो सिली पॉइंट है क्रिकेट से, सिली पॉइंट जैसे कि आप क्रिकेट में जो भी शब्द हैं पॉइंट मैन या फिर इस तरह, तो सिली पॉइंट है क्रिकेट से। किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता है, तो ये है ब्राजील। आगे बढ़े तो अगला है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नान घर कहाँ मिला था, बात हो रही है स्नान घर की और ये होना चाहिए सिंधु घाटी से, तो ये मिला था मोहनजोदड़ो में। आगे बढ़े तो अगला है कि ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे, ऑपरेशन फ्लड, तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित था, तो ये था दूध उत्पादन से, और इसके सूत्रधार थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन।
अगला क्वेश्चन है कि रबी की फसल की बुआई कब की जाती है? तो रबी की फसल मतलब कि जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाए और मार्च अप्रैल में काट ली जाए, उसे कहते हैं रबी की फसल। आगे बढ़े तो अगला है कि भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो ये किया गया था खिलजी वंश के महान शासक अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अब आज के लिए आपका अगला सवाल, हमें कमेंट करके बताइए कि खिलजी वंश का कार्यकाल कब से कब तक था। अगला क्वेश्चन कि फुटबॉल का ब्लैक पर्ल यानी कि काला हीरा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पेले को। अगला है कि कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है पेरियार नेशनल पार्क, और ये कहाँ पर है? तो ये केरल में है। आगे बढ़े तो अगला है कि लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? तो इसका नाम है सदा ए सरहद, जो चलती है लाहौर से दिल्ली तक, मतलब कि पाकिस्तान से लेके भारत तक। किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया गया? खेल में फ्री थ्रो, तो जिस तरह अभी आपने क्रिकेट में देखा था, उसी तरह जो फ्री थ्रो है ये बास्केटबॉल में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन कि भारत एवं बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच है कच्चा तीवी द्वीप और न्यूमियर द्वीप पे, भारत और बांग्लादेश के बीच। अगला क्वेश्चन कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो उत्तर से दक्षिण कहने का क्या मतलब है कि जम्मू एंड कश्मीर से लेके केरल तक, तो ये है 3214 किलोमीटर। और उसी तरह अगर पूरब से पश्चिम पूछा जाए तो ये है 2900 के करीब करीब। अगला क्वेश्चन कि भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय के बीच कितना अंतर है? तो ये है 5.5 घंटे, 5.5 घंटे, और ये क्या है प्लस में है, मतलब कि जो पूरे विश्व का मानक समय है या फिर ग्रीनविच समय है उससे भारत का समय 5.5 घंटे आगे है। अगला क्वेश्चन कि किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? कहने का मतलब कि जहां से पोलो खेल की शुरुआत हुई, तो यह है मणिपुर। अगला क्वेश्चन कि गैम्बियट शब्द किस खेल से जुड़ा है? गैमी बट, तो यह है शतरंज से। अगला क्वेश्चन कि क्रिकेट पिच पर पोपिंग क्रीज और स्टंप के बीच कितनी दूरी होती है? तो यह है 4 फुट। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको बता दें कि इसको अगर आप लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हैं तो आपको लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिए। इस तरह की और भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आपको उनका लिंक इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। स्टडी और जॉब की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।